तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है और ये मात्र 1,00,000 रुपए की है। सारी जानकारी देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। 1,00,000 रुपए में अगर ये स्कूटी लेते हैं तो कितना किलोमीटर तक आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं, इसका टॉप स्पीड क्या है और इसके साथ ही इसमें क्या क्या फीचर्स दिया गया है। तो ये मेरे किसी फ्रेंड का है जो कि मुझे लगा कि इसकी एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी अब बहुत लोग लेना चाहते हैं। लोकल अगर कोई अपना ड्यूटी करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर वो ड्यूटी करते हैं और इसमें खर्च भी कम पड़ता है। देखिए इसके ब्रांड का नाम है मैग्नस ईएस। ये अब हर ज़िले में उपलब्ध है। अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अपने ज़िले में, अपने नज़दीकी ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा और ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है और ये मैग्नस ईएस नाम करके हैं। तो मैंने इस स्कूटी को चला कर देखा तो इसका टॉप स्पीड मात्र 50 है, 50-49 या फिर 45 तक इसको टॉप स्पीड में ले सकते हैं। फुल एक्सेलेटर अगर देंगे तो 50 के स्पीड में ये चलेगी, ठीक है। और इसका जो फुल मतलब रनिंग स्पीड है मतलब करीब 100 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर तक इसको लगातार चला सकते हैं और उसके बाद फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। इसमें मैंने और ये देखा कि चार्जिंग के लिए मात्र 6 घंटे में आप फुल चार्ज कर सकते हैं और 100 किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं। इसके साथ ही टॉप स्पीड 50 की होगी और ये स्कूटी तकरीबन आपको 1,00,000 रुपये तक में मिल जाएगी। और ये अभी जो वीडियो शूट हो रही है ये बांका ज़िले का है, तो बांका ज़िले से कोई अगर है तो बांका में डायरेक्ट ऐसी स्कूटी को ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फीचर की अगर बात करूँ तो अगर आप वैसे बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा यार ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ऐसा लगेगा जैसे कि ये पेट्रोल वाला स्कूटी है। तो ये इलेक्ट्रिक है, देखिए इसका मॉडल डिज़ाइन, इसका जो वेट है, कार्ब वेट टोटल जो इसका वज़न है भाई 96 किलो वज़न है इसका। इसीलिए जब मैं चलाता हूँ इसको तो ऐसा नहीं लगता कि मैं एक स्कूटी चला रहा हूँ। इसमें रिवर्स का भी ऑप्शन है, मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ बैक कैमरा के द्वारा। यहाँ पीछे आप लोग को डबल शॉकर मिल जाता है, पीछे टायर 90/3-00/10 का मिल जाता है क्योंकि ये ट्यूबलेस में आता है। और यहाँ पे दोस्तों ये इसमें बैटरी जो मोटर होता है ये इसमें लगा हुआ है, ये ब्रेक शू है। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये साइलेंसर है, ये इसका मॉडल डिज़ाइन कुछ तरीके से है, देख सकते हैं। और यहाँ देखिए चाबी का क्या सिस्टम है, ये चाबी जैसे ही इसमें लगाता हूँ चाबी का डिज़ाइन कुछ तरीके से एम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, और जैसे मैं चाबी को लगा के ऐसे ऑन करता हूँ तो मीटर में लाइट आ जाती है। मीटर में देखिए यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, जैसे कि ये 60 वोल्ट भी है, बैटरी ऑडो है, 15,000 किलोमीटर ये चल चुकी है ये बाइक। और ये देखिए ये दो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अब मुझे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए हमें इस बटन को यूज़ करना पड़ता है। इस बटन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लाइट जलेगी। तो ये देखिए रेडी, अब ये रेडी हो चुका है, बस आपको एक्सेलेटर देना है और यहाँ पे बाइक चलना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये शुरू हो गया, चक्का घूमना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हैंड ब्रेक और फ्रंट हैंड ब्रेक, रियर हैंड ब्रेक दोनों यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर यूज सकते हैं, हाई लो भी यूज कर सकते हैं। ये एक रिवर्स है जो कि इसको बटन, इस बटन को दबा के एक्सेलेटर देंगे तो पीछे अपनी स्कूटी को ले सकते हैं। और यहाँ पे हॉर्न है और ये हाई लो के लिए दिया गया है और ये पासिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। इंडिकेटर, इसकी जो लाइट है दोस्तों यहाँ पे LED का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसमें DRL लाइट का भी सुविधा है। आगे से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पेट्रोल स्कूटी है, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रिक है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक साफ शब्दों में लिख दिया है। और आगे का शॉकर भी यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को इस तरीके से। चलिए मैं एक बार इसको चला कर देखता हूँ। तो ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये यहाँ से एक्सेलेटर देते हैं, जैसे हम एक्सेलेटर देंगे तो ये चालू हो गया। तो ये देखो भाई होता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका टॉप स्पीड। यहाँ पे ये स्पीड के लिए दिया गया हाई और लो, अभी मैंने इस बटन को यहाँ पे रखा था तो ये लो मोड पे था, इसीलिए हमारी स्कूटी ज़्यादा नहीं भाग पा रही थी। तो मैं यहाँ पे हाई मोड पे लाऊंगा तो ज़्यादा स्पीड में भगा सकेंगे। ये देखिए ये दो नंबर आ गया, देखिए अभी हाई स्पीड में ये चल रही है।
धो लेते हैं। यहाँ से हो गया लो स्पीड 30 से 35। ये कितना मैक्सिमम रहेगा? 30-35 तक। 30 उससे ज़्यादा नहीं रहेगी स्पीड इसमें। कितना हम एक्सलेटर डालेंगे फुल भी 30 से आगे नहीं बढ़ेगी ये। लेकिन हाई करने के बाद जो ये तकरीबन अगर अकेले जाते हैं तो आप 60 तक स्पीड इस पर जा सकते हैं। तो देखिए 50 तक जा रहा था। नहीं फुल चार्ज नहीं है, फुल चार्ज होने के